YouTube वर्सेस TikTok सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, अब ये एक वॉर बन चुकी है। और इस वॉर में कुछ लोग कैरिमिनाटी की साइड हैं तो कुछ लोग TikTokers की साइड हैं। आपको बता दूं गाइस कि कैरिमिनाटी का जब से वीडियो डिलीट हुआ है तब से बहुत सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो कैरिमिनाटी के सपोर्ट में आए हैं। कैरिमिनाटी का एक वीडियो, वो एक कीर्तिमान हासिल करने वाला था, एक माइलस्टोन हासिल करने वाला था। उस वीडियो पे 8 मिलियन समथिंग लाइक हो चुके थे और जो सबसे ज़्यादा मिलियन लाइक्स का वीडियो है वो 12 मिलियन लाइक्स है, जो रिकॉर्ड है एक अपने आप में। वो कैरिमिनाटी कुछ ही दिनों में क्रॉस करने वाले थे गाइस। वो वीडियो डाउन होने के बाद मतलब एक इंडियन यूट्यूबर होते सबसे ऊपर पूरे वर्ल्ड में, जिसका एक नॉन म्यूजिक वीडियो ने 12-13 मिलियन लाइक अपने नाम करे होते। लेकिन वो वीडियो अनफॉर्चुनेटली हटा दिया यूट्यूब से, कुछ लोगों ने उसे मास रिपोर्ट कर दिया तो वो हटा दिया। और कैरी ने बताया कि उनका वीडियो वो वापस आएगा भी नहीं, तो इस वो सब बात साइड में रखते हैं। लेकिन अब एक ऐसा सपोर्ट कैरिमिनाटी को मिल गया है जिसके बाद जो सारे जो टिकटॉकर्स हैं, मैं उन्हें वार्निंग देना चाहता हूँ कि भाई अब रुक जाओ, वरना अब नहीं रुके तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि कैरिमिनाटी को सपोर्ट मिला है अपने खुद के सुपर हीरो शक्तिमान का। यहाँ का इस मुकेश खन्ना सर भी अब इस टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब की जंग में कूद चुके हैं और वो सपोर्ट करते हैं कैरिमिनाटी को। आइए आपको दिखाता हूँ। मैं कैरिमिनाटी का सपोर्ट करता हूँ जिन्होंने टिकटॉक के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी वीडियोस डिलीट कर दी गई है जो गलत है मेरे हिसाब से। अगर डिलीट ही करना है तो उन सभी वीडियोस को डिलीट कर दो जो आपत्तिजनक होते हैं। मैं इसके साथ कैरिमिनाटी को भी एक सलाह देना चाहता हूं कि शब्दों के चयन और वाक्यों का चयन सही कीजिए। ऐसे शब्द ऐसे वाक्य इस्तेमाल मत कीजिए जिससे लोगों की भावनाओं को हर्ट होता हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि कैरिमिनाटी को कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, इससे शब्दों का चयन बहुत ही आवश्यक रहता है। कई बार गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से हम सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं। गाइस ये वो वीडियो था जिसमें मुकेश खन्ना सर दिखा रहे हैं कि वो कैरिमिनाटी को सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे मैटर में, इस पूरी वॉर में वो कैरिमिनाटी की साइड है। अब कैरिमिनाटी के पीछे शक्तिमान खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो एक एडवाइस देते हुए भी नजर आ रहे हैं कैरिमिनाटी को कि वो अपने जो वर्ड्स हैं उनका जो चूज है वो वर्ड्स अपने बड़ी ही ध्यान से चूज करें जब भी वो वीडियो बनाएं, क्योंकि उनके वर्ड्स की वजह से, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए होंगे वीडियो में उनकी वजह से उनका सही वीडियो भी एक गलत साइड में आ गया है और वो रिमूव हो गया है। तो यहाँ पर मुकेश खन्ना सर ने एक यही एडवाइस दिया कैरिमिनाटी को कि जब भी अपने वीडियो बनाएं थोड़ा जो वर्ड्स हैं, थोड़े जो शब्द हैं उनका चयन बड़े ही ध्यान से करें और जो कर रहे हैं उसे करते रहें, और इस लड़ाई में वो उनके साथ हैं। तो गाइज शक्तिमान का सपोर्ट मिल चुका है कैरिमिनाटी को, ये बहुत बड़ी बात है। तो भाई जितने भी बीडी के बंडल हैं, छपरी टिकटॉकर्स हैं या फिर उनके फैंस जो हैं जो कैरिमिनाटी का वीडियो आके उन्होंने रिपोर्ट किया था, वो लोग अब देख लो, अगर कोई बंदा, इतना बड़ा बंदा अगर कोई कैरिमिनाटी के सपोर्ट में आ रहा है तो सोचने वाली बात है कि कौन यहाँ पर सही है और कौन यहाँ पर गलत है। इतना बड़ा इंसान है, इतना बड़ा ये आदमी है कि वो किसी गलत आदमी को सपोर्ट नहीं करेगा। उसमें इतना एक्सपीरियंस है, उतना दिमाग है कि वो किसी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा। तो भाई यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं कि आपको किसकी साइड होना है। YouTube वर्सेस TikTok की लड़ाई में आप किसके साथ हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे चैनल को देखते रहें। सारी YouTube की न्यूज़ आपको मिलने वाली है इस चैनल पर, तो जल्दी से इधर उधर कहीं आपके रेड बटन आ रहा हो सब्सक्राइब का, उसे जल्दी से दबा दो, साथ में एक कमेंट लिख दो अपना। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हमारे चैनल को देखते रहो। कीप ऑन वॉचिंग द डॉलीवुड रिपोर्टर।